साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, आज मैं आपको भुजंगासन बताऊंगी, भुजंगासन करने का तरीका, भुजंगासन के लाभ, भुजंगासन के नुकसान। भुजंगासन कैसे करते हैं बताने से पहले मैं उसके थोड़े से फायदे बताऊंगी। भुजंगासन करते समय जब आप करते हैं भुजंगासन, तो आपकी जो कमर है ना, वो बिना सपोर्ट के आप पीछे की ओर लेके जाते हैं। जब आप अपनी कमर को पीछे की ओर लेके जाते हैं, तो कमर में प्रेशर आता है, ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। टेल बोन जो आपकी नीचे की सबसे हड्डी होती है ना, उसके लिए होता है। आप सबको पता होगा कि कमर जो है ना आपकी टेल बोन, वो आपके मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कमर गर्दन सीधी करके बैठे। जब आप कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, तो कमर से लेके मस्तिष्क तक में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, तो आपकी जो बीमारियां हैं मस्तिष्क से, जो बीमारियां होती हैं, जो कमर से संबंधित बीमारियां होती हैं, वो दूर होती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें कि जिसको कमर में ज़्यादा परेशानी है वो ना करें, बाकी सब लोग धीरे धीरे इसका प्रयास करें। चलो मैं आपको करने का तरीका बताती हूँ और उसी के साथ उसके फायदे बताती हूँ। भुजंगासन करने के लिए पहले आप सीधे उल्टे तरीके से लेट जाएंगे, माथा जमीन पे करेंगे, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर पीछे से जुड़े रहेंगे, दो चार लंबी गहरी श्वास लेंगे। भुजंगासन के पहला चरण करने की तैयारी, दोनों हाथ सीने के बगल, ध्यान रखें सीने के बगल में, ना कंधे के पास ना सीने के नीचे, ठीक। दोनों पैर जुड़े रहेंगे माथा जमीन पे, माथा नाक होंठ टूटी को टच करते हुए, गर्दन को उठाते हुए नाभि तक ऊपर होने का प्रयास करेंगे। आपका जो प्रेशर है वो हाथ पे नहीं आना चाहिए, पूरा वजन पूरा भार आपकी कमर पे, और सामने से ऊपर होने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से पूरा भार आपका आपकी कमर पे आएगा, टेल बोन पे जो सबसे निचला भाग होता है आपकी कमर का, उस पे अपनी क्षमता अनुसार रखिएगा। आप इसमें काउंटिंग दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस लेंगे। ध्यान रखिए भुजंगासन के पहले चरण में आपके यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, इस वाले भाग पे, निचले भाग पे, इसे कमर दर्द संबंधित बीमारी नहीं होती है। दूसरा चरण करेंगे, हाथ वापस सीने के बगल में, माथा जमीन पे, माथा नाक होंठ टूटी टच करते हुए, गर्दन को उठाते हुए वापस से नाभि तक ऊपर होने का प्रयास करेंगे, और दोनों हाथ हवा में ऊपर करेंगे। इस तरीके से ये ऊपर हुए, ये हाथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन ऊपर रहेगी, नजर आपकी छत की ओर, धीरे धीरे वापस। भुजंगासन का दूसरा चरण करते समय आपके ये वाला भाग जो होता है ना, वहां पर प्रेशर लगता है। लंबी गहरी श्वास लेंगे। भुजंगासन का तीसरा चरण, माथा जमीन पे, दोनों हाथ कमर पे लॉक कर लेंगे, इस तरीके से कमर के ऊपर रखेंगे, पूरा हाथ पीछे की ओर तान लेंगे, माथा नाक होंठ हड्डी टच करते हुए, गर्दन को उठाते हुए वापस नाभि तक ऊपर होने का प्रयास करेंगे। तीनों चरण करते समय आप अपने दबाव को महसूस करेंगे, जहां जहां आपका प्रेशर आएगा, नजर आपके ऊपर, थायराइड वालों के लिए सबसे अच्छा। धीरे धीरे वापस, लंबी हरी सांस लेंगे। लेफ्ट करवट लेके बैठ जाएंगे। भुजंगासन के मैंने आपको तीन चरण बताए हैं। पहला मैंने आपको बता चुका है, इसका पूरा प्रभाव आपके कमर पे आएगा, उसके अगले हिस्से में आपका सबसे ज्यादा प्रेशर आपका पेट पे आएगा, क्योंकि आपकी नाभि तक का भाग ऊपर होता है, तो नाभि तक का पूरा भाग जो है वो खिंचता है। उसके बाद आपका सीने पे आता है, सीने में किडनी, लंग्स, ये सब जो है ना, उसमें प्रेशर लगता है, उस पर प्रेशर लगता है, तो वहाँ की जो बीमारी है वो अपने आप दूर होती है।